के पैराग्राफ में देखिए, यहाँ लेखक ने बताया कि जब वे मजे से मस्ती कर रहे थे तब एक सांड उनकी ओर आता दिखाई दिया। बैलों ने सोचा कि अब दोनों ओर फंस गए हैं, यदि वे वहां से भागते हैं तो कायर कहलाते हैं। दोनों बैलों ने उस सांड को घेरकर मारने की योजना बनाते हैं और ऐसा ही हुआ। हीरा ने आगे से वार किया, मोती ने पीछे से टक्कर मारी। इस तरह सांड बहुत जख्मी हुआ और वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते हुए सांड ने अपना संतुलन खोया और धम से नीचे गिर पड़ा। मोती सांड को फिर से मारने के लिए आगे बढ़ता है, किंतु हीरा उसे रोक कर कहता है कि गिरे हुए शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से घर पहुंचने की चिंता होती है। मोती कहता है कि कुछ खाकर सोचते हैं। फिर वह मटर के खेत में घुस गया। हीरा ने उसे मना भी किया परंतु वह नहीं माना। तभी दो आदमी लाठी लिए हीरा और मोती को घेर लेते हैं। पानी के कारण मोती के खुर कीचड़ में धंसने लगते हैं। वह वहां से भाग नहीं सका। हीरा ने देखा कि मोती फंस गया तो वह भी वहां आ गया। दोनों बैलों को मवेशी खाने में बंद कर दिया गया। मवेशी खाना होता है बच्चों, जहां के पशुओं को बंद किया जाता है। अब अगला पैराग्राफ यहां से देखिए। लेखक ने हीरा मोती की दयनीय दशा के बारे में बताते हुए कहा है कि उन्हें मवेशी खाने में सारे दिन भूखा रहना पड़ा। उस जगह पहले ही कई जानवर, भैंसें, बकरियां, घोड़े, गधे लाशों की तरह लेटे हुए थे। जैसे जैसे रात हो गई तो उनकी भूख भी बढ़ती गई, तो हीरा विद्रोही स्वभाव में मोती से वहां से भाग लेने के लिए कहता है। उपाय ढूंढकर वे बाड़े की कच्ची दीवार तोड़ने की सलाह देते हैं। हीरा मजबूत सींगों के प्रहार से कच्ची दीवार तोड़ने का प्रयास करता है। ऐसा करने पर मवेशी खाने के चौकीदार द्वारा हीरा पर डंडे बरसाए जाते हैं और मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है। फिर मोती कच्ची दीवार पर टक्कर मारने लगता है। धीरे धीरे वह आधी दीवार गिरा देता है। टूटी दीवार के रास्ते से घोड़ियां, बकरियां, भैंसें तो वहां से भाग गईं, लेकिन गधे खड़े रह गए। हीरा ने गधे से वहीं खड़े रहने का कारण पूछा तो गधे ने कहा कि दोबारा पकड़ लिए गए तो फिर यहीं पड़े रहेंगे। मोती अपने दोस्त हीरा की रस्सियां तोड़ना चाहता है परंतु असफल रहा। हीरा ने उसे कहा, कम से कम तुम तो यहां से चले जाओ। किंतु मोती बिना हीरा को लिए वहां से जाना नहीं चाहता। हीरा मोती से कहता है कि वह चला जाए, अन्यथा उसे बहुत मार खानी पड़ेगी। तब मोती कहता है कि उसने लगभग 9-10 जानवरों की जान बचाई है, वे सारे उसे आशीर्वाद देंगे। मोती ढीठ और मूर्ख गधों को सींग मार मार कर वहां से भगा देता है और स्वयं हीरा के समीप आकर सो जाता है। प्रातः मवेशी खाने की दशा देकर खलबली मच गई। चौकीदार ने मोती को जमकर पीटा और मोटी रस्सी से बांध दिया। यहां देखिए अगला। दोनों बैलों को 7 दिनों तक भूखा रखा गया। सारे दिन में केवल एक बार पानी दिया जाता था। परिणाम स्वरूप वे बहुत कमजोर हो गए। आखिरकार उन्हें एक दिन बेच दिया गया। उनका खरीदार एक भयानक सूरत और डरियल व्यक्ति था। उस डरावने आदमी को देखकर हीरा और मोती डर गए और ईश्वर को याद करने लगे। उन्हें ईश्वर पर भरोसा है। बेशक दोनों बैलों की उस डढ़ियल के भय से कुछ करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी वे वहां से भाग गए। भागते भागते उन्हें लगा कि वे पहले भी यहां से गुजर चुके हैं,
जाने पहचाने रास्ते को देखकर उनकी थकान मिट गई और उनकी चाल पहले से अधिक तेज हो गई। अपने गांव पहुंचकर वे भागे भागे अपने बांधने के स्थान पर खड़े हो गए। अपने प्रिय बैलों को देखकर जूरी की आंखों से आंसू निकल आए। पीछे से डढ़ियल आकर हीरा और मोती की रस्सी पकड़ लेता है। झूरी ने उन्हें ले जाने का विरोध किया। जब डढ़ियल ने बैलों को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की तो मोती ने उसे सींग मार दिया और उसका पीछा किया। डढ़ियल मोती के डर से गांव के बाहर भागता है और गालियां देना शुरू करता है, साथ ही पत्थर फेंकता है। डढ़ियल के इस रवैये पर गांव वाले उस पर हंसते हैं। डढ़ियल गालियां देता हुआ चला गया। हीरा और मोती की फिर से इशारों में बात होती है। कुछ देर में ही बैलों के लिए अच्छे खाने का प्रबंध किया गया। झूरी अपने हीरा और मोती को प्यार करने लगता है। उसकी पत्नी भी दोनों को प्यार से चूमती है। तो बच्चों, आज इस कहानी का हमने समापन कर दिया है। आपको समझ में आ गया होगा कि एक तरफ प्रेम और एक तरफ कटुता, क्रोध काम नहीं करते। आखिर प्रेम की ही विजय होती है। इसलिए शांत स्वभाव से हम इस प्यार को बांट सकते हैं, क्योंकि यही एक चीज़ है जो इंसान को इंसान से मिलाती है और दूसरे इंसान को भी अपना बनाती है। और कटुता, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब अवगुण हैं जो कि अपने व्यक्ति को भी दूसरा कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार भय संचरे साले सकल शरीर। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो बच्चों, चलते हैं, कल फिर मिलेंगे हम आपसे इसी पाठ के साथ। थैंक यू।